हे गाइस, हम लोग आ गए हैं रमरेखा घाट और देख सकते हैं ये रात के बज रहे हैं 12 और क्राउड देख सकते हैं ये रहा फ्यूज। तो हम लोग चल रहे हैं स्नान करने के लिए और गंगा जल भी लिया जाएगा। इधर पूरा शॉप है, इधर दोनों साइड भाई देख सकते हैं। तो हम लोग घाट पे पहुंच चुके हैं और घाट का देख सकते हैं माहौल कितना जबरदस्त है और क्राउड देख सकते। तो हम लोग आ चुके हैं और घाट पे देख सकते हैं तगड़ी वाली भीड़ है, लाल अंकित भी है पीछे, सब लोग आगे चल रहे हैं ये देख सकते हैं। क्या भैया ठीक है, ये कैसे, ये कुछ हाल है भैया रमरेखा घाट का। तो पीयूष स्विमिंग करता है तो उधर तक चला जा रहा है पीयूष, देखो भाई आराम से उधर देख सकते। तो पूरा बाढ़ आ चुका है, पूरा उधर तक भर चुका है, कहाँ पर चलो मनीष भैया, चलो मनीष भैया गए हैं स्नान करने, ये जाओ जाओ। ये हमारा आशीष चला गया है भाई महादेव। हम लोग स्नान कर चुके हैं यहाँ पे, बहुत मजा आ रहा है स्नान कर कर, देख सकते हैं भक्तों के अंदर अलग सा जुनून भरा हुआ है। तो इस साल के कांवड़ यात्रा में देख सकते हैं पूरा अच्छे से व्यवस्था करा गया, प्रशासन भी है यहाँ पे, लाइट वगैरह पूरा देख सकते हैं, पूरा उधर तक है, मतलब हर चीज से पूरा प्रोटेक्शन किया गया, बाद से भी घेरा गया है गंगा जी का। फिलहाल सब लोग स्नान कर चुके हैं तो अब हम लोग निकल रहे हैं। स्नान कर चुके हैं सब लोग और टीका वगैरह सारा चीज मरवा लिए, तो इसके बाद हम लोग निकल रहे हैं ब्रह्मपुर की ओर और अपना कांवड़ यात्रा स्टार्ट करते हैं, वह भी शंकर जी के नाम में। तो हर हर महादेव, अभी मां पार्वती पते हर हर महादेव। ब्रह्मपुर आ गए फाइनली और उधर से रास्ता बंद है तो इधर से हम लोग शॉर्टकट बाइक को अपरोडिंग करते हुए निकल रहे हैं। बाबा परमेश्वर नाथ के दरबार में आ चुके हैं और बहुत लोग जल चढ़ाकर जा भी रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं, जल चढ़ाया जाएगा। अब देख रहे हैं ये रात के बज रहे हैं 2 गाइस और ये अभी हम लोग तालाब साइड आ चुके हैं
और वो बाबा का रहा टेम्पल, सामने देख सकते हैं सब लोग यहाँ पे, बहुत लोग स्नान भी कर रहे हैं, हम लोग पैर वगैरह धोकर चलते हैं। हाँ, ये रहा गंगा जल, हम लोग ले लिए, अब इसमें फूल वगैरह डालेंगे। डाला भैया ये फूल भांग तनी गया। हम लोग जल वगैरह ले चुके हैं और अब निकल रहे हैं बाबा की तरफ और बाबा को जल ढारते हैं। और इतना क्राउड होता है गेट के पास, ये दिखाऊंगा आपको, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत लोग जल चढ़ाकर इधर साइड साइड देख सकते हैं बैठ गए। अभी फिलहाल हम लोग चल रहे हैं जल मारा जाएगा। हर 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 हर। ये सामने आप देख सकते हैं ये जो गेट है और ये लाइन लगा है बहुत, अब क्या क्यों बंद है ये तो पता नहीं, अब देखते हैं क्या हो रहा है। और लाल पीछे तक लाइन बंद, जब का होगा यहाँ पे युद्ध होगा। अभी गाइस जो हम लोग दर्शन किए, ये शंकर भगवान का अभी दर्शन किए, अभी पार्वती का दर्शन करना, बहुत अंदर भाई जंग लड़ने जैसा हो जा रहा है सिचुएशन। तो फिलहाल चलते हैं, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके महादेव का, तो हर हर महादेव, अब पार्वती जी का दर्शन करने चला जाए। तो अंदर का सिचुएशन देखकर आपको समझ में आ गया होगा, जो भक्त है बाबा का वही असली अंदर जा रहे हैं जंग लड़ने, अंदर जंग लड़ने वाला सीन हो जा रहा है भाई। तो बहुत अच्छा लगा दर्शन करके, फिलहाल तो अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं, अब हम लोग घर के लिए निकला जाएगा। और ये भीड़ देख सकते हैं, ये भीड़ चेकआउट करिए गाइस, कितना भीड़ है। ओ भाई अंकित फर्स्ट टाइम ना, पहली बार बहुत मजा आया, असली असली मोहित जंग लड़ा है असली छोटा। ये यहाँ पे प्रसाद, जो ये प्रसाद लड्डू के तरह दिख रहा है, ये यहाँ का फेमस, ये टेंपल का बहुत मिठाई है, ये यहाँ का ग्रहपुर। और सब लोग दर्शन कर लिए अच्छे से, और यहाँ पे हमारे ग्रुप सब खड़े हैं, इसके बाद सब लोग निकलेंगे हम लोग घर की ओर। बहुत अच्छा लगा दर्शन कर कर, भोलेनाथ की जय हो, हर हर शंभु। मंदिर के जस्ट सामने ही हम लोग अभी यहाँ पे भैया के पास चाय पी रहे हैं, देख रहे हैं ये चाय पीते हैं, यहाँ पर इधर प्रसाद वगैरह सारा चीज मिल गया है। सब लोग से पूछते हैं कैसे दर्शन हुआ है, सब लोग बताएंगे यहाँ पे उस कैसे दर्शन हुआ है। जाएंगे या तब अशेष कैसे दर्शन हुआ, मजा आया। मनीष भैया कैसे हुआ दर्शन, जी कैसा होगा दर्शन, तो मजा है ना भाई दर्शन करके। तो भाई तुम्हारा दर्शन कैसा हुआ, कैसे पूरा जंग लड़े हम लोग महादेव के भक्त। तो अब गाइस हम लोग निकल रहे हैं घर, दर्शन हो चुका है और बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, तो अभी भी लोग भाई जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, अभी भी लोग, ये बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हो रहा है। जरूर आप लोग भी आइए नेक्स्ट सोमवार को आकर दर्शन कीजिए, बहुत जबरदस्त भाई। तो चलते हैं घर, हर हर महादेव।